Hi, I am Sayed Rashid, Physics and Chemistry teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel name as Ahlebaid High School and Junior College. As we are taking like class 8th, okay, Physics and Chemistry. And our chapter number 9 is Electrical Conductivity of Liquids. That means in which liquids electricity might be conducted or not. तो जैसा कि आपको पता है मेरा नाम सैयद राशिद है, आप हमारा यूट्यूब चैनल अहलेबैद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज देख रहे हैं। आज हम जो है 8th क्लास का 9वां सबक, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड पढ़ने जा रहे हैं। तो इस सबक का मेन मोटिव या एम ये है कि कौन से लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती, जैसा कि हम पानी ले लिए, तेल ले लिए और दूध ले लिए, लाइक वाटर, ऑयल एंड मिल्क। अब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखेंगे किस में पास होती या किस में नहीं होती, तो इस तरीके का हम कुछ देखते। लेकिन लेसन्स के स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एज पर योर रीडर, लेट अस बिगिन, हम शुरू करें। सम टाइम वी रीड इन न्यूज़पेपर अबाउट फार्मर गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक वाइल स्टार्टिंग वाटर पंप ऑफ द वेल, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट मेड विद स्विच और स्टार्टेड बाई वेट हैंड्स। डू यू नो द रीजन बिहाइंड गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक वाइल वर्किंग विद वेट हैंड्स। तो देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा कि हम कभी कभी न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं कि जो फार्मर्स रहते हैं उन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। कब लगता है? जब उन लोग बॉली के अंदर से वाटर पंप को स्टार्ट करते, स्पेशली जब भी उन स्विच को छीते, यानी कि जो स्विच रहता स्टार्ट करने का, स्विच को छीते से इलेक्ट्रिक शॉक लगता। और स्पेशली जब उनका हाथ कच्चा रहता तो जब उनको यानी कि शॉर्ट लगने का डर रहता या फिर शॉक लगता। क्या आप इसके पीछे का, डू यू नो द रीज़न बिहाइंड गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इसके पीछे का आपको रीज़न मालूम कि ये क्यों शॉक होता वाइल वर्किंग विद वेट हैंड, यानी कि कच्चे हाथों से काम करने पे। ओके, आवर एल्डर्स कॉजन अस अबाउट टचिंग इलेक्ट्रिक हीटर इमर्जिंग इन वाटर, वाई डू दे इंस्ट्रक्ट अस टू स्टे अवे फ्रॉम इट, हाउ डज द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज थ्रू वाटर। जब भी बड़े लोग रहते हमारे, हीटर रहता पानी में, हम हीटर लगाते बगीट में, तो हमको कहते हैं कि वो पानी टच मत करो जिसमें हीटर लगा हुआ है, और कहते हैं कि आप उससे दूर रहो। तो ये जो बड़े लोग हैं दूर रहने के लिए क्यों बोलते हैं? जब भी हम हीटर पानी में लगाते तो क्या करंट पानी के अंदर बहता है? ठीक है, वी विल गोइंग टू लर्न दिस थिंग, ये चीज़ें हम लर्न कर रहे हैं ये चैप्टर में। ओके, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास ईजिली थ्रू मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। डू यू रिकॉल सम ऑफ द मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट? लेट अस रीविजिट द एक्टिविटी एंड डू इट नाउ। एक्टिविटी नंबर 1, टेस्टिंग द मटेरियल टू नो विच अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में हम देखा था कि मेटल्स है जैसा कि कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है इलेक्ट्रिसिटी को पास करते, तो हम इसको क्या करेंगे, खुद रिकॉल और रिविजिट करके एक एक्टिविटी करेंगे, करके डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यानी कि मटेरियल्स लेंगे, लेके चेक करेंगे कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती। तो उसके लिए हम एक सर्क्यूट को सेट करना पड़ेगा। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वो सर्क्यूट देखिए, एक शेल रहेगा पहले, ठीक है। ये शेल में जैसा आपको पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता, तो यहाँ पर हम एक LED ग्लो लगा लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंड रहता, तो इसका जो एक ये जो फ्री एंड है यहाँ पे छोड़ देंगे हम। छोड़ने के बाद यहाँ पे अलग अलग मेटल्स को लगाएंगे हम, यानी कि पहले लगाएंगे फर्स्ट कोई एक मेटल को टच करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ इस तरीके से करते रहेंगे। तो हमको क्या होता, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जैसा मैं आपको अभी बताया था, एम लिखना अपना। एम में क्या लिखेंगे? टेस्टिंग द मटेरियल टू नो विच अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। उसके बाद अपैरेटर्स में लिख सकते हैं आप या मटेरियल रिक्वायर्ड में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। शेल की ज़रूरत है, LED की ज़रूरत है, और है हमारे पास कंडक्टिंग वायर, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो वायर्स की ज़रूरत है, एंड फ्यू मटेरियल्स, कुछ मटेरियल की हमारे को ज़रूरत है। वो मटेरियल में क्या क्या रह सकता आप हम ले सकते, आयरन ले सकते, ओके, कॉपर ले सकते, उसके बाद हम ले लेंगे प्लास्टिक, PLASTIC प्लास्टिक लेंगे, इरेजर लेंगे, ठीक है, और लेंगे हम एक्सेट्रा, एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी, जिसमें वुड है और अलग अलग चीज़ें हम लेके देखेंगे कि होता क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ले रहा हूँ टेबल 1, ओके। टेबल 1 में हम सबसे फर्स्ट मैं लूँगा आयरन,
ठीक है, आयरन लेता हूँ, IRON। तो ऑब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं कि आयरन का एक वायरिश ले लेंगे, यानी कि छोटा सा वायर लेंगे आयरन का, लेके क्या क्या मेटल कौन सा है वो IRON आयरन है। तो बल्ब ग्लोस या डज नॉट ग्लोस, बोल तो क्या है, बल्ब क्या होगा यहाँ पे, ग्लो होगा। तो आंसर में यहाँ पे हम लिखते हैं इसको गुड कंडक्टर लिखते, क्या लिखते, गुड कंडक्टर, ठीक है। सेकंड केस में हम ले लेंगे अगेन कुछ पिन ले लीजिए आप, ठीक है, पिन आप ले लीजिए कॉपर की, ठीक है, कॉपर की पिन में भी आपको क्या होगा, बल्ब ग्लोज होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप ले लीजिए एक और एक पीस ले लीजिए कुछ, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, PIECE पीस, इस बार आप ले लीजिए लाइक प्लास्टिक का ले लीजिए, PLASTIC। तो यहाँ पे क्या होता, बल्ब डज नॉट ग्लोज, ये है ट्विस्ट, GLOWS। तो इसके क्या बोलते हैं हम, बल्ब डज नॉट ग्लोज मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा बैड कंडक्टर, ओके। तो वैसे ही हम नेक्स्ट ले लेंगे हम हमारा जो पेंसिल रहता रबर, जो रबर से हम मिटते वो ले लेंगे, यहाँ पे भी एक स्पीसीज रहेगा, टुकड़ा रबर का टुकड़ा ले लेंगे, RUBBER रबर या इरेजर वॉट एवर यू कॉल, इसमें भी क्या होगा, बल्ब DOES डज नॉट ग्लोज, यानी इसमें भी बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं होगा। तो ये भी हमारा हो गया बैड कंडक्टर। और साथ ही साथ आप क्या करिए, अलग अलग मटेरियल्स लेके आप चेक कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ें लेके आप ये पूरा बॉक्स फिल कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक 8 से 10 मटेरियल लेके आप कर लीजिए। तो नाउ अब हम कंक्लूजन क्या लेंगे एक्टिविटी में, कंक्लूजन ये रहता, इस एक्टिविटी से हमको मालूम हो गया कि वी हैव फ्यू मटेरियल्स विच अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, कुछ मटेरियल रहते जो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता, एंड वी हैव सम मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट ग्लोस, यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उस टाइप के हम मटेरियल को बोलेंगे कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हम उसको बोलेंगे बैड कंडक्टर, इसको बोलेंगे हम गुड कंडक्टर और इसको बोलेंगे बैड कंडक्टर। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है कि हमको समझ नहीं आ रहा कि दो चीज़ें समझ नहीं आ रही क्या है, फर्स्ट चीज़ कुछ मटेरियल आपको इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, कुछ मटेरियल नहीं पास कराएंगे। दूसरी चीज़ जो मटेरियल पास कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसको हम गुड कंडक्टर बोलेंगे, और जो मटेरियल पास नहीं कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी उसको हम बैड कंडक्टर्स कहते हैं। सो एज ऑफ नाउ अभी आप क्या कीजिए, यानी कि 9th लेसन का हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, डालने के बाद टेबल वन लिखिए, थोड़े से अपैरेटस लिख के आप ये पूरा टेबल कॉपी कर लीजिए, ओके। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है। तो ख्याल रहे कुछ प्रिकॉशंस भी ले लीजिए आप इसमें, जैसा कि जहाँ पे भी आपको बल्ब ग्लो हो रहा तो वो ज़्यादा देर तक आप ग्लोइंग में मत रखिए उसको, यानी 5-10 सेकंड ग्लो कर लिए, चेक कर लिए, आपका ऑब्जर्वेशन नोट कर लिए काफ़ी है। अगर आप उसको वैसे ही अगर रख दिए यानी ग्लो होता रहा तो जो बैटरी है हमारी वो क्या हो जाती, लो हो जाती, यानी बैटरी के अंदर का जो पावर है वो ख़त्म हो जाता, तो ज़्यादा देर तक आप उसे खुला ना रखें। तो और इसमें बस ये एक आपको प्रिकॉशन लेना है जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। नाउ ये अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है क्या, व्हाट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते किसको है। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको लिखना भी है ये, तो मेक श्योर आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, ये लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी गिवन मटेरियल, वी कैन से दैट अ मटेरियल हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इफ़ इट अलाउज इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू इट ईजीली। होप आपने डेफिनेशन सुन लिया, थोड़ा सा इसको रिपीट करके लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो हम आपको डिस्क्राइब करती है, समझाती कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही या नहीं हो रही। तो नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। जो एक्टिविटी नंबर 1 में हमने कई सारे चीज़ें लेके करा था कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही या नहीं हो रही, तो ये जो आपको था ये रिलेटेड टू दी सॉलिड था, यानी सॉलिड से हम कर रहे थे। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी हम कर लेंगे, टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन लिक्विड अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। जो आपको लिक्विड दिया गया है
वो लिक्विड आपको इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा या नहीं कराएगा। तो ये एक्टिविटी नंबर 2 के नाम से रहता। इसका भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं आपको स्क्रीन पे लगाते हुए थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसा करना है, और उसका टेबल 2 भी मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक ये हमारा 2 से 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक ख़त्म होती है। ओके, जैसा कि आप एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, इस डायग्राम में आपको बताया गया है, हमने कुछ चीज़ें ले ली है। एक सेल है हमारे पास, यानी शेल है, और एक एक LED है, एक हमारे पास क्या है, रबर कैप है, रबर कैप के साथ लिक्विड है, जो लिक्विड दिख रहा वो है। तो हम इसमें टेस्ट कैसा करते, देखिए जैसा सेटअप आपको बताया जा रहा है, यानी कि आप जो कैप है ना, जो रबर का कैप, उसके अंदर 2 लोहे के काड़ियाँ या फिर कंडक्टिंग मटेरियल डालेंगे, और वो जो 2 काड़ियों में गैप रहना है, यानी कि थोड़ा सा गैप रहना, और वो गैप बिल्कुल 2 मिलीमीटर का रहना, यानी ज़्यादा भी नहीं रहना और कम भी नहीं रहना, यानी बहुत छोटा सा गैप रहना उसमें 2 मिलीमीटर का। तो गैप से आपको एक्सपेरिमेंटल जो आपको बताया जा रहा है सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, और एक एक टेबल 2 आपके स्क्रीन पे मैं लगाया, तो इस टेबल 2 में आपको दिख रहा है सीरियल नंबर, लिक्विड, LED, ग्लोस, यस, नो, गुड कंडक्टर, पुअर और बैड कंडक्टर। तो इसमें हमने कुछ लिक्विड्स लिए हैं, जैसा आप देख सकते, पहला लिक्विड है डिस्टिल वाटर, उसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद कोकोनट ऑयल है, उसके बाद लेमन जूस है, उसके बाद विनीगर है, केरोसिन, वेजिटेबल ऑयल, शुगर सोल्यूशन, 9th और 10th वाला आपको फिलअप कर लेना है। तो देख सकते हैं आप डिस्टिल वाटर में LED ग्लो नहीं हो रहा, यानी कि LED बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर बोलेंगे। ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर में आपको LED ग्लो हो रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर बोलेंगे। वैसे ही आपको कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल, लेमन जूस, विनीगर, केरोसिन, तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल में ग्लो होता या नहीं होता, इस खुद आप ना चेक करो। फेरस लेमन जूस विनीगर में तो ग्लो होता, केरोसिन, वेजिटेबल ऑयल और शुगर सोल्यूशन को भी एक खुद अपना चेक कर लीजिए ग्लो होता या नहीं होता। तो ये टेबल आपका पूरा आपके स्क्रीन पे है, जैसा आप देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट टेबल आपको फिल करना है। आप चाहे तो ये घर में भी इसका यानी कि एक्सपेरिमेंट कर सकते, ठीक है। तो बहुत आसान टेबल है ये आपको कॉपी कर लेना है और आपको आंसर में कर लेना है, ठीक है। सो हमने एक्टिविटी नंबर 1 का टेबल 1 किया और एक्टिविटी नंबर का टेबल 2 किया, ये 2 आपके क्लास वर्क्स में लिखे हुए रहना पड़ेगा। नाउ वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, LED। LED किसे कहते हैं, एक लाइट है। इसके बारे में हमारे रीडर में बहुत सारा थीरी पार्ट है, आपके मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप वो थीरी पार्ट पढ़ लीजिए और उसको ज़्यादा थोड़ा सा समझ लीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो उतना नहीं रहेगा, फिर भी है सो इम्पॉर्टेंट, वो थीरी पार्ट आप आपके क्लास वर्कों में लिख लेना और उसमें से पॉइंट्स बना के आप चाहे तो पढ़ ले सकते। तो नाउ द टाइम टू सी अ थीरी पार्ट रिलेटेड टू दी LED ऑन योर स्क्रीन। होप यू हैव सॉ द थीरी पार्ट रिलेटेड टू LED ऑन योर स्क्रीन। दैट्स ऑल अबाउट अवर टूडेज क्लास और टूडेज सेशन। आज की क्लास और आज के सेशन में इतना ही। हम हमारे जो नेक्स्ट सेशन है सेम जैसा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड को लेके हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो मेक श्योर मेंटेन नोट्स, नोट्स इज कंपलसरी। यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल अहलेबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, थैंक यू।